नमस्ते, मैं शर्वणी। मेरे सहजी सुस्वादु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी सोया चंक। सोया चंक से दो रेसिपी आज आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी है ये दो रेसिपी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सोया चंक टेक्सचराइज्ड सोया प्रोटीन होता है। ये बनाने के लिए एक कप सोया चंक लिया। इसे कुसुम गरम दो कप पानी से भिंगो के रखा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद ये अच्छे से फूल गया है और नरम भी हो गया। अभी इसे एक छालनी के ऊपर रख के छान लेंगे और इसे थोड़ा सा पानी से धो के निचोड़ के लेंगे। अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर का पूरा पानी निकाल लेंगे। जितना संभव पानी निकाल के रखेंगे। सोया चंक एक वेज प्रोटीन होता है। इसे अच्छे से निचोड़ लिया। अभी एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इसको डाल के पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा चम्मच से चला देंगे बीच में ताकि स्मूथ पेस्ट बने। दो रेसिपी के लिए इक्वल अमाउंट में दो ठो कटोरी में रखा। पहला रेसिपी के लिए एक ठो छोटा प्याज, तीन टुकड़ा हरा मिर्च और लहसुन की कलियां 8 से 10 टुकड़ा लेके इससे एक स्मूथ पेस्ट बना के रखेंगे। एक ठो नॉनस्टिक पैन में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया। ये सरसों का तेल में ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। 1/4 टीस्पून कालोंजी देके कालोंजी को अच्छे से भून लेंगे। प्याज लहसुन का पेस्ट देके अच्छे से भून लेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। नमक एक छोटा चम्मच देके अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद वो जो ग्राइंड किए हुए सोया चंक देके मीडियम फ्लेम में रख के इसे लगातार चलाएंगे ताकि जल ना जाए। अच्छे से मिला के एक छोटा चम्मच सरसों का तेल ऊपर से देके फ्लेम को बंद कर देंगे। चावल के साथ खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। आइए अब सेकंड रेसिपी को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड रेसिपी के लिए नारियल के भूरा चाहिए और खसखस चाहिए। एक टेबल चम्मच करके नारियल भूरा और खसखस देके तीन ठो हरा मिर्च देके थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद पानी ऐड करके चला के फिर से ग्राइंड करने से पेस्ट अच्छा स्मूथ बनता है। बना के इसे एक कटोरी में रख दिया। पहला रेसिपी जैसे इधर भी फिर से एक ठो पैन में एक टेबल स्पून सरसों का तेल गरम करके उसमें 1/4 टीस्पून कालंजी ऐड करेंगे। बिना प्याज लहसुन से ये सेकंड रेसिपी बनेगा। कालंजी फ्राई हो जाने के बाद इसमें वो नारियल का पेस्ट देके मीडियम फ्लेम में रख के इसे भूनेंगे, लगातार चलाएंगे। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक एक छोटा चम्मच देके इसमें थोड़ा सा शक्कर दे देंगे। शक्कर देने से इसका स्वाद ज़्यादा बढ़ता है। अभी वो ग्राइंड किए हुए सोया चंक ऐड करेंगे।
करने के बाद अच्छे से भूनेंगे। मीडियम फ्लेम में रखना पड़ेगा, कभी लो फ्लेम में भी ऐसे रखेंगे। एक ठो हरा मिर्च दे के मिला के एक छोटा चम्मच सरसों का तेल ऊपर से दे के इसे मिलाएंगे। देखा ना कितना आसानी से बन गया है सोया चंक का दो रेसिपी। ये चावल के साथ और रोटी के साथ दोनों ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप भी ऐसे बना के खाइए और आपका गुड फीलिंग्स मेरे को जरूर बताइए। मैं आप पे ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मेरे रेसिपीज को पसंद किए हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो। धन्यवाद।